हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पुलकेश शर्मा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन अजमेर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की सेकंड राउंड काउंसलिंग की, जिसका आज दूसरा दिन था। किस रैंक तक आपको कॉलेजेस मिले हैं, किस रैंक पे आखिरी सीट मिली है, कैटेगरी वाइज अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूआर कैटेगरी से। यूआर कैटेगरी में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में आपको 15,000 रैंक तक चांस रहेगा कि आपको राजस्थान के थ्रू कॉलेज मिल जाएगा। मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया था कितने बच्चे अभी राजस्थान में रुके हुए हैं, कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा में सीट ले चुके हैं उस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जो फाइनल क्लोजिंग रैंक है राजस्थान में वो है स्टेट रैंक 2,680, और जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 15,064। ठीक है, 15,064 ये आपकी क्लोजिंग रैंक है ऑल इंडिया रैंक राजस्थान के स्टेट के राउंड टू में। ठीक है, ओबीसी में जो आपकी क्लोजिंग रैंक है वो है 2,852, और जो ऑल इंडिया रैंक है 16,021। ठीक है, ये ओबीसी की क्लोजिंग रैंक है। ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक है 2,985, और जो ऑल इंडिया रैंक है इस पे वो है 16,825। अभी ईडब्ल्यूएस की कुछ सीटें वैकेंट हैं, अभी ईडब्ल्यूएस के सारी सीटें फिल नहीं हुई है, क्योंकि 3,000 रैंक तक ही बच्चों को बुलाया था, जिसमें सारी सीटें फिल नहीं हो पाई है। मैं आपको बता देता हूँ कितनी सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी ईडब्ल्यूएस में बाड़मेर में एक सीट बाकी है, भरतपुर में एक सीट बाकी है, चूरू में एक सीट बाकी है, डूंगरपुर में 4 सीटें बाकी है। ठीक है, ये बच्चे जो 3,000 के बाद वाले स्टेट रैंक वाले बच्चे हैं, वो बच्चों के द्वारा ये सीटें फिल होने वाली है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आपकी जनरल कैटेगरी में 15,000 तक चांस रहेंगे। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आप 1,000 और ऐड कर लीजिए, 500 से 1,000 ऐड कर लीजिए, 16,000 तक चांस रहेंगे मैंने जैसे बताया था। तो ऑलमोस्ट वही रहा है, क्योंकि बीच के बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में चले गए। अभी ये काउंसलिंग थोड़ी सी मिक्स्ड रिजल्ट है, उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनकी रैंक काफ़ी पीछे थी, 14-15 हज़ार रैंक थी, फिर भी स्टेट में मिल गया, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो बच्चे थोड़े से हताश हो सकते हैं जिनकी रैंक 12-13 हज़ार थी, पर उनको रिस्क नहीं ले पाए, वो शायद इस वजह से रिस्क नहीं ले पाए क्योंकि उनको श्योर नहीं था कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते इसके लिए कि आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कभी भी पता नहीं लगा सकते कि आपसे आगे वाले बच्चे, जितने सारे बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्टेट में रुकेंगे, कितने ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे, कितनी सीटें आएंगी। ठीक है, तो आपको जो भी कॉलेज मिल गया आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी कॉलेज मिला है आप उससे खुश रहिए, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं सारे कॉलेज। ठीक है, अब तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, जो आपकी नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है, एमबीबीएस की जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिला। ठीक है, आपको ऑल इंडिया कोटा से मिला हो या स्टेट कोटा से मिला हो, कोई भी मेडिकल कॉलेज मिला हो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी नीट 2022 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अन अकेडमी में मेरी फ्री लाइव क्लासेस ले सकते हैं। अब आपकी सारी काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ऑल इंडिया कोटा की अभी बाकी है मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत क्रूशल राउंड है। ठीक है, जिन बच्चों को अभी तक सीटें नहीं मिली है या फिर जो बच्चे सीट छोड़ चुके हैं स्टेट कोटा के जरिए, क्योंकि उनको ऑल इंडिया मॉपअप में चांस अच्छे लग रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जो लोग 2022 के लिए सीरियसली प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए वो अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं, फ्री टेस्ट दे सकते हैं। तो आप जितने फ्री टेस्ट दोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट लास्ट में अच्छा आएगा। ठीक है, तो आप फ्री लाइव टेस्ट देने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपको कोड पूछा जाएगा, तो PULKIT10 पुलकित 10 कोड यूज़ करना है फ्री लाइव क्लास में आने के लिए। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो भी लोग काउंसलिंग में अभी भी आगे तक हिस्सा ले रहे हैं उन लोगों के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और अनअकैडमी पे जो लाइव क्लासेस का शेड्यूल जानना चाहते हैं वो लोग भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।